बच्चों नमस्कार, टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पिछले 2 वर्षों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सतत, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। विद्यालय स्टाफ और बच्चों ने इसमें विशेष सहयोग दिया है। आपका सहयोग, आपके कमेंट, आपका प्रोत्साहन निश्चित रूप से हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th के लिए। ये क्लास RBSE, CBSE और अन्य सभी राज्यों में जहाँ NCERT पाठ्यक्रम लागू है, उन सभी के लिए प्रॉफिटेबल होगी। इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य। इसका इतिहास 1835 से प्रारंभ होता है बच्चों, जो मैं आपको बता चुका हूं। 1835 लॉर्ड मैकाले इंपोर्ट द सिस्टम इन इंडियन स्कूल्स। ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट ए क्लरिकल वर्ल्ड इन इंडिया। वो चाहता था कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा सिस्टम यहाँ लागू किया जाए जिससे कि यहाँ के लोग क्लर्क बने और वो शारीरिक रूप से भारतीय हों और मानसिक रूप से अंग्रेज बने। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश में भी इसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। बात करते हैं, टॉपिक चल रहा था आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ये आपका टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में किस किस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है। दूसरी हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, सबसे पहले यह शीर्षक लिखते हैं जो मैं आपको कल बता चुका हूं, फायर एक्सीडेंट और फायर एक्सीडेंट कॉजेज हैवोक। ये आपका शीर्षक था और शीर्षक के जस्ट बाद या नीचे क्या लिखा था, रिपोर्टर का नाम और इसके बाद आपका स्थान और समय, जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस समय पर घटना घटित हुई है उसका विवरण निश्चित रूप से आपको रिपोर्ट में लिखना है। बच्चों ध्यान रखना, रिपोर्ट लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, स्पीच लिख रहे हो, एक प्रकार के पैराग्राफ हैं, निबंध मान लीजिए, लेकिन इनमें शीर्षक, इनमें रिपोर्ट राइटिंग में आपका स्थान, समय, इसके निर्धारित अंक होते हैं। यदि आप इसे नहीं लिखते हो तो आप केवल एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसको हम रिपोर्ट बिल्कुल नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट लिखता हूं यहां, ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट, कल भी मैंने आपको एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना लिखाई थी। बाई पंकज, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 का विद्यार्थी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 का विद्यार्थी पंकज, ये इस ट्रेन एक्सीडेंट की रिपोर्ट को यहां तैयार करेगा। कल भी एक्सीडेंट, दुर्घटना लिखाई थी, वो था आपका फायर एक्सीडेंट। दीज ऑल रिपोर्ट्स, ये सभी रिपोर्ट जो हम लिख रहे हैं यहां, वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है क्योंकि घटना आपकी पास्ट टेंस में घटित हुई थी। ठीक है बच्चों, तो ट्रेन एक्सीडेंट में अपन लिखेंगे यहां स्थान और समय। स्थान कौन सा,
जयपुर। कोई भी स्थान लिख सकते हो जहां ट्रेनें चलती हैं। कल का डेट लिख दीजिए 20 जुलाई। अब आप चाहो तो यहां से या आप यहां से लिखना प्रारंभ कर सकते हो। बच्चों आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, अखबार पढ़े होंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है जहां घटना घटित होती है। तो यहां आपको ऊपर पहले स्थान आता है, समय दिया हुआ आता है, फिर अपन वहां लिखना प्रारंभ करते हैं। आप जस्ट नीचे से लिख सकते हो ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, एक गंभीर रेल दुर्घटना टुक प्लेस का मतलब घटित हुई। ध्यान रखना, टेक प्लेस का मतलब किसी घटना का घटित होना, किसी इवेंट का क्या कहते हैं आपका टेक प्लेस एंड संपन्न होना। मान लीजिए कोई हम एक्टिविटी विद्यालय में कोई गतिविधि कर रहे हैं तो वहां भी टेक प्लेस शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो टेक प्लेस जो है उसको हम संपन्न करने के लिए कहेंगे और यहां इसको क्या कहेंगे अपन, घटना घटित होने के लिए। ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन, जगतपुरा रेलवे स्टेशन थोड़ा ऊपर लिख गया है, रेलवे स्टेशन लास्ट नाइट, पिछली रात एक गंभीर रेल दुर्घटना टुक प्लेस माने घटित हुई नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन, जगतपुरा रेलवे स्टेशन के निकट लास्ट नाइट माने पिछली रात। द मरुधरा एक्सप्रेस मरुधरा एक्सप्रेस जिसको अपन कहते हैं, राजस्थान की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है ये, शताब्दी एक्सप्रेस भारत की। अब तो कई और तेज चलने वाली गाड़ी आ गई हैं। द मरुधरा एक्सप्रेस बाउंड फॉर वाराणसी, मरुधरा एक्सप्रेस जो वाराणसी के लिए बाउंड थी, बंधी हुई थी, मतलब जा रही थी, सुनिश्चित थी। वाराणसी का मतलब होता है बच्चों बनारस, वाराणसी का मतलब क्या है, बनारस। बाउंड फॉर वाराणसी स्मैश्ड, लिखिए मैं बिल्कुल आराम लिखा रहा हूं। द इंजन एंड फ्रंट फोर बॉगीज, इंजन और आगे के चार डिब्बे वर डीरेल्ड एंड स्मैश्ड बैडली। आगे चलते हैं। द इंजन एंड फ्रंट फोर बॉगीज, इंजन और आगे के चार्ट, बॉगी माने होता है बच्चों डिब्बा, खोखली जगह को बॉगी कहते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने एक पत्र लिखाया था, द प्रॉब्लम
ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। उसमें बॉगी शब्द लिखाया था, बॉगी का मतलब होता है खोखला, लेकिन यहां बॉगी का मतलब होता है डिब्बे, इंजन यानी रेल के डिब्बों को बॉगी कहते हैं। या इसमें एक शब्द और लगा सकते हो डिब्बे के लिए, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मीन्स भी क्या होता है, डिब्बे। इंजन एंड फ्रंट फोर बॉगीज व डीरेल्ड एंड स्मैश्ड बैडली, बुरी तरीके से टूट गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, देयर वॉज ए ग्रेट लॉस, बहुत बड़ी हानि हुई थी। एल ओ डबल एस, लॉस माने हानि, ध्यान रखना बच्चों। एक एल ओ एस ई, लूज मीन्स खोना, हानि होना, वर्ब है, ये ध्यान रखना। और एक एल डबल ओ एस ई, लूज, वो आपका एडजेक्टिव विशेषण है। एल ओ एस ई, लूज, वो आपका वर्ब है। एल डबल ओ एस ई, लूज एडजेक्टिव है, और एल डबल एस, लॉस, ये क्या है आपका, नाउन है। देयर वॉज ए ग्रेट लॉस, देयर वर स्क्रीम्स, एंड क्राइज अमोंग पैसेंजर्स, कॉपी कीजिए, यात्रियों में चीख पुकार थी। नेक्स्ट चलते हैं, सम पैसेंजर्स कुछ यात्री जंप कूद गए, थ्रू डोर्स दरवाजों से होकर, एंड इमरजेंसी विंडोज, इमरजेंसी विंडोज से होकर, खिड़कियों से होकर, आपातकालीन खिड़कियां। बच्चों पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। जब हम किसी साधन में यात्रा करते हैं तो वो पैसेंजर, दूसरे किसी साधन में, लेकिन अपने साधन में आप पैदल यात्रा करते हैं तो वो ट्रैवलिंग कहलाता, ट्रैवलर्स कहलाते हैं, यात्री कहलाते हैं। ठीक है, खिड़कियों से कूदने लगे या कूदे। मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, वर क्राइंग फॉर हेल्प, सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। इन पेन माने किस में, दर्द में। आगे चलते हैं, दे वर इन पैनिक, वो घबराहट में थे। रेस्क्यू टीम एंड मेडिकल टीम टीम्स लिखिए, कई दल पहुंचे थे वहां। एंड मेडिकल टीम्स रश्ड टुवार्ड्स द एक्सीडेंटल स्पॉट, दुर्घटना स्पॉट माने जगह पर। मेडिकल टीम्स चिकित्सकीय दल, और रेस्क्यू टीम्स माने बचाव दल, दौड़े थे, जपटे थे।
द वाउंडेड पैसेंजर्स घायल यात्रियों को वर्गेवन दिए गए थे फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार दिया गया था कॉपी कीजिए द हैवी इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल्स पैरा भी चेंज कराएंगे अभी द हैवी इंजर्ड वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल्स भारी घायलों को निकटतम अस्पताल में या अस्पतालों में ले जाया गया था एट्टी पीपल वर इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट बच्चों यहां तक कॉपी कीजिए 80 लोग इस दुर्घटना में घायल हो गए थे मैं पैरा चेंज कर रहा हूं लेकिन पैरा आपको यहीं से चेंज करना है या ध्यान रखना यहां से पैरा चेंज करना है द रेल मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल रीच्ड ऑन द एक्सीडेंटल स्पॉट इन नो टाइम शीघ्र ही रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उस स्थल पर पहुंचे एक्सीडेंटल स्पॉट पर पहुंचे आपको उधर से नजर नहीं आ रहा है क्या अभी आ रहा होगा अभी आ रहा होगा ठीक है इन नो टाइम माने शीघ्र ही नेक्स्ट चलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार नजर नहीं आ रहा ऊपर लिखता हूं भाई द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट मिस्टर गोयल श्रीमान गोयल अनाउंस्ड 2 लाख रुपीज 2 लाख रुपए की घोषणा की फॉर ईच डेड प्रत्येक मृत व्यक्ति को
इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में। एज कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में। ए कमेटी हैज बीन सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। मैंने थोड़ा जल्दी लिखा है क्या? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका हिंदी अर्थ करवाता हूँ, अच्छे से समझना है। और पढ़ते हुए आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ये बहुत सरल हैं, इनको आप पढ़ते पढ़ते ही, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तभी, साथ साथ ही कंप्लीट करते चलो। ये बात अलग है कि आप दो दिन बाद भूल जाते हो, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा भूल जाएंगे लेकिन बहुत कुछ याद रहेगा। दोबारा फिर से आप रिवाइज करोगे फिर और कुछ याद रहेगा, एग्जाम टाइम पे फिर करोगे और कुछ रहेगा, अध्यापक और रिवाइज करवाएगा तब आपको कंप्लीट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही चीज़ें कंप्लीट कर लो। माना कि मैथ्स का सवाल और कोई सवाल आप एक बार में कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन फिर भी उसका अपन रिवाइज करते हैं बार बार। मैथ तो बहुत रिवाइज करनी पड़ती है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे मैथ के टीचर कहा करते थे, मैथमेटिक्स इज नॉट ए पका पकाया हलवा बट पका और खाओ। गणित एक पका हुआ हलवा नहीं है, इसको पकाना पड़ता है फिर खाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ बात करते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएस वगैरह है, ज्योग्राफी है, इनको तो अपन रट लेते हैं, मतलब पका हुआ है खा लेते हैं, लेकिन मैथ्स पकाना पड़ता है। चलिए, ए सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट, एक गंभीर रेल दुर्घटना टुक प्लेस, माने घटित हुई, नियर जगतपुरा रेलवे स्टेशन, जगतपुरा रेलवे स्टेशन के निकट, लास्ट नाइट माने पिछली रात। द मरुधरा एक्सप्रेस, मरुधरा एक्सप्रेस बाउंड फॉर वाराणसी, बनारस के लिए बंधी हुई थी। बाउंड माने बंधी हुई के स्थान पर आप कहोगे सुनिश्चित, ट्रेन होती है वो सुनिश्चित होती है कि यहाँ से यहाँ जाएंगी, तो यहाँ किस शब्द का प्रयोग करेंगे? वाराणसी। ऐसा नहीं है कि ट्रेन जा रही है बनारस के लिए, यहाँ से निकली है और रास्ते में वो डाइवर्ट हो गई और डाइवर्ट होकर के वो कलकत्ता पहुँच गई या और कहीं पहुँच गई, महाराष्ट्र मुंबई पहुँच गई, नहीं, ये बाउंड होती हैं। हाँ, किसी कारण से ये हो सकता है कि उसका रूट कभी कभी डाइवर्ट कर दिया जाता है, कभी कभी रूट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, 10-20-50 किलोमीटर जैसे काम चल रहा होता है या रेल की पटरियाँ उखड़ी हुई हैं किसी कारण से, तो थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं, दूसरी जगह होकर उसको निकाल देते हैं, लेकिन वो गाड़ी जाएगी कहाँ? जहाँ के लिए वो सुनिश्चित है। तो बाउंड शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है? सुनिश्चित के लिए। वाराणसी नॉन एज बनारस, वाराणसी को हम क्या कहते हैं? बनारस कहते हैं बच्चों, काशी विश्वनाथ का शहर है बनारस। और भारत ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जो सबसे पुराना शहर है, आज सबसे पुराना, आज भी जो अपनी यथा स्थिति में है, बनारस शहर। वाराणसी, काशी। मरदरा एक्सप्रेस जो बनारस के लिए सुनिश्चित थी, स्मैश्ड माने टूट गई, स्मैश्ड का मतलब चटक जाना, टूट जाना। द इंजन एंड फ्रंट फोर बॉगीज, इंजन और आगे के चार डिब्बे, वर डीरेल्ड माने पटरी से उतर गए। रेल माने क्या होता है बच्चों? पटरी, ध्यान रखना, आर ए आई एल, रेल मीन्स होता है पटरी, और पटरी पर चढ़ना, पटरी पर चढ़ना चलना रेल, और पटरी से उतरना एक शब्द आता है डीरेल, डीरेल का मतलब क्या होता है? पटरी से उतर जाना। एंड स्मैश्ड, और वो टूट गए थे बैडली माने बुरी तरीके से टूट गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। देयर वॉज ए ग्रेट लॉस, एक बहुत बड़ी हानि थी, ये लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देयर वर स्क्रीम्स एंड क्राइज, चीख पुकारें थी,
स्क्रीम माने चीखना, क्राइज माने पुकार या चिल्लाना। एक शब्द और है इसका ह्यूज, एच यू ई एस, ह्यूज माने भी क्या होता है, चीखना। ह्यूज एंड क्राइज ऐसा लिख सकते हो। अमोंग पैसेंजर्स माने यात्रियों के बीच में, यात्रियों में बहुत ज़्यादा चीख पुकार थी। सम पैसेंजर्स, कुछ यात्री जंप माने कूद गए थ्रू डोर्स दरवाजों से होकर, एंड इमरजेंसी विंडोज और आपातकालीन खिड़कियों से होकर, इन पैनिक माने घबराहट में। लिख सकते हो चाहो तो इन पैनिक माने घबराहट में, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख दिया है। मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष औरतें और बच्चे वर क्राइंग, चिल्ला रहे थे फॉर हेल्प, मीन्स किसके लिए, सहायता के लिए। इन पेन मन किस में, दर्द में। बच्चों पी ए आई एन पेन मन क्या होता है, दर्द, और पी ई एन पेन मीन्स क्या होता है, कलम, और पी ए एन पेन मन क्या होता है, कढ़ाई। कढ़ाई नहीं होती जिसमें कुछ पकाते हैं, तला जाता है खाने की चीजें, कढ़ाई। इसी प्रकार से एक होता है पी ए एन ई पेन, वो पेन मीन्स होता है शीशा, विंडो पेन, जैसे खिड़की का शीशा, खिड़की पे शीशा लगाते हैं उसको पेन बोलते हैं, विंडो पेन बोलते हैं। ग्लास मीन्स भी शीशा होता है, ग्लास मीन्स शीशा, पेन माने शीशा, ठीक है। लेकिन ग्लास जो है उसका अपन बहुवचन लिखेंगे ग्लासेज, तो वो शीशा ना होकर के क्या हो जाता, चश्मे। स्पेक्टिकल्स मान चश्मे होता, आई शेड मान चश्मे होता, गॉगल्स मान चश्मे होता, ग्लेयर्स मान चश्मे होता है। बहुत सारे शब्द हैं, इनको समझिए, सीखिए। ये हो गया, देवर इन पैनिक, वो घबराहट में थे। पैनिक मान घबराहट। रेस्क्यू टीम्स, बचाव दल, एंड मेडिकल टीम्स और चिकित्सा दल, या टीम की जगह टीम्स का प्रयोग इसलिए किया है कि टीम जो है स्वयं एक बहुवचन है, टीम जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। बच्चों कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह वाली संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसमें एक समूह होता है, कई चीजों या वस्तुओं या व्यक्तियों का एक जोड़ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन कलेक्टिव नाउन भी बहुवचन में हो सकती है, जैसे 10 लोगों का एक दल ये है, 5 लोगों का एक दल ये है, और वो टीम, वो सारी सभी उनको एक साथ कर देते हैं, उनको टीम्स बोलेंगे अपन, ये ध्यान रखना। और वैसे एक टीम होती है उसको एक टीम बोलते हैं, चाहे उसमें 10 व्यक्ति हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के उदाहरण बच्चों डेंचर होता है, डेंचर समझते हो, डेंचर मीन्स होता है ये जो ये अपना जबड़ा होता है, यानी कि बत्ती सी जिसको कहते हैं, जिसमें दांत लगे होते हैं, उसको अपन डेंचर बोलते हैं। ये भी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे दांत होते हैं, डेंचर। और जैसे कि हाइव्स, हाइव्स मान क्या होता है, छत्ते, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको हाइव्स बोलते हैं। ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है, ये भी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, मतलब जिसमें शामिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रस्ट माने दौड़ गई, झपटी, टूवार्ड द एक्सीडेंटल स्पॉट माने दुर्घटना स्थल पर, द वाउंडेड पैसेंजर्स, घायल यात्रियों को वर गिवन दिया गया था फर्स्ट एड माने प्राथमिक उपचार। ए आई डी एड मीन्स होता है बच्चों उपचार, एक होता है ए डबल डी एड मीन्स होता है जोड़ना, एक होता है ए डी एड मीन्स होता है विज्ञापन, विज्ञापन का छोटा रूप होता है ए डी एड, और ए डबल डी एड मीन्स होता है जोड़ना, एड कर लो इसमें, और एक है इसमें ए आई डी एड मीन्स होता है बच्चों उपचार। द हैवी इंजर्ड घायल, सॉरी भारी घायलों को वर टेकन ले जाया गया था टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल्स माने निकटतम अस्पतालों में। भाई एक अस्पताल नहीं ले गए थे, बहुत सारे घायल हैं तो ऐसा नहीं कि इस अस्पताल में ले जाए सभी को, जो अस्पताल निकट पड़ रहा है उसमें उनको ले गए थे, चाहे 1, 2, 3 अस्पताल उनको ले गए थे, निकट जो पड़ रहे थे उनमें ले गए थे। 80 पीपल या 80 पर्संस, 80 पैसेंजर्स, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, वर इंजर्ड, घायल हो गए थे इन दिस एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में। बच्चों यहाँ पीपल लिख सकते हो, पर्संस लिख सकते हो, पैसेंजर्स भी लिख सकते हो, हालांकि पीपल अपने आप में क्या है, बहुवचन में आता है, ये शब्द आता है जो, और 80 आ गया तो ये बहुवचन में ही है, इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हो। द रेल मिनिस्टर, रेल मंत्री, ध्यान रखना या ट्रेन मिनिस्टर नहीं बोलेंगे बच्चों, ट्रेन माने होता है रेलगाड़ी, वैसे रेल शब्द अंग्रेजी का है, हम रेलगाड़ी बोलते हैं तब भी गलत है। सही हिंदी शब्द होता है लोपथगामिनी,
लोहे के पथ या रास्ते पर गमन करने वाली चलने वाली क्या कहलाती है? ट्रेन कहलाती है। तो ट्रेन मिनिस्टर होता तो इसका मतलब है किसी एक गाड़ी का मंत्री, और रेल मिनिस्टर माने पटरी का मंत्री, पटरी जितनी भी लगी हुई है उन पर जो गाड़ी चलती है उनको रेल मिनिस्टर बोलते हैं। रेल मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल ने या मिस्टर पीयूष गोयल रीच्ड पहुंचा ऑन द एक्सीडेंटल स्पॉट माने दुर्घटना स्थल पर। ये बच्चों SPON लिखा हुआ है, इसको आप टी करो, स्पॉट इन नो टाइम माने शीघ्र ही, ये एन आ गए थे ना कई बार जल्दी, तो अपन दिमाग बहुत जल्दी वहां पहुंच जाता है, लिखते यहां हैं तो कभी कभी लास्ट का जो अक्षर होता है वो ऐसा हो जाता है। इन नो टाइम मन शीघ्र ही द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इज आल्सो ट्राइंग, भी कोशिश कर रही है इट्स बेस्ट, अपनी सबसे अच्छी टू हेल्प द विक्टिम्स माने शिकारग्रस्त लोगों की ऑफ द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के, इस दुर्घटना के शिकार लोगों की सहायता करने की सबसे अच्छी कोशिश राज्य सरकार भी कर रही है। ये बेस्ट शब्द मैंने कल भी बताया था आपको बच्चों, ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि कोई भी पजेसिव प्रोनाउन यानी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो वहाँ हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ही क्यों ना दी गई हो। इफ देयर इज एनी पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर इन सुपरलेटिव डिग्री देन वी डू नॉट यूज दी आर्टिकल बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, यू हैव टू माइंड इट। मिस्टर गोयल, गोयल का मतलब यहाँ पीयूष गोयल के बारे में है, अनाउंसड घोषणा कर दी थी 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये की फॉर ईच डेड, प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिए इन द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना में, एज कंपेंसेशन मान क्षतिपूर्ति के रूप में। आप इसको और ज़्यादा कारगर बनाना चाहते हो सेंटेंस को तो लिख सकते हो, बिल्कुल सीधा लिखना चाहते हो तो मिस्टर गोयल अनाउंसड 2 लाख रुपीज फॉर द फैमिलीज, फॉर द फैमिलीज FAMILIES ऑफ ईच डेड, ऐसे लिख सकते हो प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवारों को। अब यहां बात करते हैं तो मृत व्यक्ति को तो पैसा दे ही नहीं सकते, वो तो दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उनके परिवारों को, पर आप परिवार नहीं लिखते हो तो भी समझने वाली बात है कि ये उनके परिवारों को ही दिया जाता है क्षतिपूर्ति के रूप में। एक कमेटी, एक समिति, कमेटी मीन्स क्या होता है बच्चों? समिति, ठीक है, और एक है सभा। सभा और समिति, पुराने समय में वैदिक युग में सभा और समिति ब्रह्मा जी की 2 पुत्रियां थीं ऐसा बताते हैं। तो यहां सभा और समिति की बात करते हैं तो सभा को अंग्रेजी में कहते हैं असेंबली, और समिति कमेटी, ये स्पेलिंग को ध्यान रखना COMMITTEE। एक कमेटी, एक समिति हैज बीन सेटअप माने स्थापित की गई थी टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए द कॉज माने कारण ऑफ एक्सीडेंट माने किसका, दुर्घटना का। बच्चों इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको यहां मिटा रहा हूं और नेक्स्ट उस पर चलते हैं आपका रिपोर्ट। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आराम से लिख लीजिए। अगला जो मैं लिखाऊंगा वो एक एक्सीडेंट ना लिखा करके, मतलब कोई इंसिडेंट ना लिखा करके आपको एक इवेंट लिखा देता हूं यहां। ठीक है बच्चों, ये आपका बोर्ड भी अच्छे से मिट गया। जनरल क्लास होती है बच्चों ऑफलाइन, तो ये बोर्ड अच्छा मिट गया, लेकिन कैमरे की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, बच्चों की नज़रें तेज़ होती हैं,
लेकिन हम जब देखते हैं तो सामने देखते हैं, फिर भी हमारी नज़रें कई जगह वितरित हो जाती हैं। फोकस जो होता है वो कई जगह होता है। फोकस केंद्र आप फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन कैमरे का फोकस केवल केवल यहाँ है, दूसरी जगह नहीं है। तो चलते हैं आगे, हाउ टू फेस। ऊपर लिख देना सेमिनार, और यहां लिखना है हाउ टू फेस एग्जामिनेशंस। बच्चों आपको परीक्षा में भी काम आएगा और परीक्षा का सामना करने में भी काम आएगा। हाउ टू फेस एग्जामिनेशंस विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से कैसे परीक्षाओं का सामना करें, इस बात पर क्या आयोजित किया गया था, एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का मतलब होता है बच्चों संगोष्ठी। सेमिनार का मतलब क्या होता है? संगोष्ठी, ध्यान रखना है इसको। 22 संजीव, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। कॉपी कीजिए इसको, बिल्कुल धीमे लिखेंगे। यहां से प्रारंभ कर देते हैं। खेरली, बीस जुलाई, बिल्कुल आराम से लिखना बच्चों। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड विद्या देवी स्कूल। आप ब्रैकेट लिखना चाहते हो GIS एंड VDS। ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया था इस सेमिनार, एक संगोष्ठी आयोजित की थी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑन द टॉपिक हाउ टू फेस एग्जामिनेशंस विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ कैसे परीक्षाओं का सामना करें, इस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी।
यहाँ से आगे लिखना है अबाउट 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द सिटी अटेंडेड द सेमिनार। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में GIS यहां लिख सकते हो एंड विद्या देवी स्कूल यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में VDS ऑर्गेनाइज्ड यह लिख सकते हो हेल्ड यह लिख सकते हो कंडक्टेड स्पेलिंग ये ध्यान रखना आयोजन करना ऑर्गेनाइज बच्चों ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग ORGANISED ये भी सही है और ORGANIZED ये भी सही है दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स मींस ORGANIZED और SED आता है वो आपका ब्रिटिश इंग्लिश में आता है जबकि JDD आता है वो आपका अमेरिकन इंग्लिश में आता है ध्यान रखना ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज ऐसे बहुत शब्द हैं ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार एक संगोष्ठी का आयोजन किया था फॉर द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के ऑन द टॉपिक इस प्रकरण पर हाउ टू फेस कैसे सामना करें एग्जामिनेशंस माने परीक्षाओं का विद कॉन्फिडेंस माने विश्वास के साथ अबाउट 200 स्टूडेंट्स लगभग 200 विद्यार्थी फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स माने भिन्न भिन्न विद्यालयों से ऑफ द सिटी माने शहर के अटेंडेड द सेमिनार इस संगोष्ठी को अटेंड किया था द एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स में होता है बच्चों विशेषज्ञ एंड प्रोफेसर्स और आचार्य केम फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्निकल कॉलेज एंड फ्रॉम चाइल्ड साइकोलॉजी ये विशेषज्ञ इन क्षेत्रों से आए थे दे गेव द स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेटरी लेक्चर उन्होंने विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेटरी माने सूचनादायी लेक्चर माने क्या दिया था व्याख्यान दिया था लेक्चर माने क्या होता बच्चों व्याख्यान चलते हैं आगे दे एडवाइज्ड उन्होंने सलाह दी थी द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को नॉट टू टेक examinations as a horror उन्होंने विद्यार्थियों को क्या सलाह दी थी कि वो परीक्षाओं को एक हॉरर के रूप में एक आतंक डर या भय के रूप में ना लें they should
फेस एग्जामिनेशंस, उन्हें परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ उन्हें परीक्षाओं का सामना करना चाहिए। दे शुड हैव कॉन्फिडेंस, उन्हें सुडैव रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस माने विश्वास, सो दैट दे विल डू, इसलिए कि वो करेंगे, देयर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, इन एग्जामिनेशंस, किन में, परीक्षाओं में। कॉपी कीजिए बच्चों। दे शुड नॉट पैनिक एट ऑल, पैरा चेंज कीजिए। मिस्टर मनोज चौधरी, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था के डायरेक्टर निदेशक मनोज चौधरी ने, रिपीटेडली पॉइंटेड आउट, ये बार बार दोहराया था, पॉइंट किया था, इशारा किया था, दैट कॉन्फिडेंस कि कॉन्फिडेंस माने विश्वास, डज नॉट कम, नहीं आता है फ्रॉम वैक्यूम, निर्वात से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम, कॉन्फिडेंस आता है फ्रॉम किससे, नॉलेज, ज्ञान से। एंड मैं इसको मिटा देता हूं बच्चों ऊपर से थोड़ा सा, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सो दे शुड वर्क हार्ड, इसलिए उनको परिश्रम करना चाहिए। चलिए बच्चों कॉपी कीजिए इसको, आपको ये नजर आ रहा होगा उधर। दे इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया था, दे इंस्पायर्ड दैट कंटिन्यूअस एंड
सस्टेन, वर्क थ्रू आउट द ईयर इज ए मस्ट टू इंटर एनी एग्जामिनेशन, किसी भी परीक्षा में ये बहुत ही क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है भाई, इंडिया लेके चलते हैं इसका। कंटिन्यूस एंड सस्टेन वर्क थ्रू आउट द ईयर इज ए मस्ट टू एंटर एनी एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो लिख लीजिए बच्चों, इसी के ऊपर तो ये सेमिनार है, कॉन्फिडेंस। यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसका हिंदी अर्थ लेके चलते हैं, क्या ये अपना सेंटेंस कह रहा है, क्या ये अपना रिपोर्ट कह रहा है। ये रिपोर्ट इस बात को बताती है कि एक आयोजन किया गया था, सेमिनार का आयोजन किया गया था विद्यालय में, और विशेषकर उस विद्यालय में आयोजन करने का मकसद एक ही था कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे वो उसका विशेष लाभ लें। लेकिन हमारे विद्यालयों ने ये केवल हमारे विद्यार्थियों के लिए नहीं अपितु अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित किया था कि वो भी इसमें भाग ले सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों ये जरूरी है, और हमारे विद्यालयों में दोनों ही विद्यालय, जो VDS एंड GIS कठुमर, दोनों ही विद्यालयों में विशेषकर एग्जाम से पहले बच्चों को इतना इंस्पायर करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि वो कॉन्फिडेंस से एग्जाम का फेस कर पाए। विशेषकर हमारे विद्यालयों के जो डायरेक्टर्स हैं दोनों ही, वो बच्चों को इतना इंस्पायर मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को एग्जाम में जाने से पहले कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। उनको लगता है कि मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आराम से इस परीक्षा का सामना करूँगा। क्योंकि बच्चों जब हम बहुत कम जानते हैं तो हम सामना नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों को हम पहले इतना अच्छे से तैयार कर देते हैं कि वो एग्जाम के ऊपर हावी हो जाते हैं। एग्जाम उनके ऊपर हावी नहीं होता है, एग्जाम के ऊपर हमारे बच्चे हावी होते हैं, और यही कॉन्फिडेंस कहलाता है। और ये बात इसमें मैंने लिखी भी है कि कॉन्फिडेंस वैक्यूम से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम फ्रॉम वैक्यूम, इट कम्स फ्रॉम नॉलेज। एंड माइंड इट, नॉलेज कम्स फ्रॉम हार्डवर्क। तो आपको सबसे पहले हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क करेंगे तो निश्चित रूप से नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस भी आएगा। गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस GIS कठुमर एंड BDS खेरली ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार, एक संगोष्ठी का आयोजन किया था फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए क्लास 12 कक्षा 12 के, ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर, इस प्रकरण पर, हाउ टू फेस, कैसे सामना करें एग्जामिनेशंस परीक्षाओं का विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। अबाउट 200 स्टूडेंट्स, लगभग 200 विद्यार्थी फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, भिन्न भिन्न विद्यालयों से ऑफ द सिटी मान शहर के, अटेंडेड द सेमिनार, इस सेमिनार में उपस्थित हुए। द एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स का मतलब होता बच्चों विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स मीन विशेषज्ञ, एंड प्रोफेसर्स, और प्रोफेसर्स मीन्स आचार्य, स्पेलिंग का अच्छे से ध्यान रखना, PROFESSORS केम आए फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र से, फील्ड माने क्षेत्र, एजुकेशन में शिक्षा, टेक्निकल कॉलेज, तकनीकी महाविद्यालयों के क्षेत्र से, स्कूल मीन्स विद्यालय, कॉलेज मीन्स महाविद्यालय, और यूनिवर्सिटी मान होता है बच्चों विश्वविद्यालय, एंड फ्रॉम चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल मनोविज्ञान से। बच्चों हम जहाँ शिक्षा देते हैं बच्चों को यहाँ विद्यालयों में, इन विद्यालयों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उन अध्यापकों को चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब तक अध्यापक पढ़ा रहा है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो बच्चों को अच्छी तरीके से एनकरेज वो नहीं कर पाएगा। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट्स, दे गेव द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को दिया इन्फॉर्मेटरी लेक्चर, सूचनादायी व्याख्यान। इन्फॉर्मेटरी का मतलब सूचनादायी,
या सूचनादात्री, जिससे उनका ज्ञान बढ़े, है ना। दे एडवाइज, उन्होंने सलाह दी द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को नॉट टू टेक, ना ले एग्जामिनेशन, परीक्षाओं को एज ए हॉरर, माने एक आतंक या डर के रूप में ना लें। परीक्षाओं को डर नहीं समझे, भय नहीं समझे। कहते हैं ना परीक्षा का भूत, परीक्षा का भूत नहीं, आप परीक्षा के ऊपर भूत बनिए। लेकिन कब बनोगे? जब व्हेन यू विल हैव कॉन्फिडेंस इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर माइंड। बट कॉन्फिडेंस कब आएगा? व्हेन यू विल हैव नॉलेज। एंड नॉलेज कब आएगा? व्हेन यू विल वर्क हार्ड, जब आप क्या करोगे? परिश्रम करोगे। दे शुड फेस, उन्हें सामना करना चाहिए एग्जामिनेशन परीक्षाओं का विद कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। दे शुड हैव कॉन्फिडेंस, उन्हें विश्वास रखना चाहिए। सो दैट, इसलिए कि दे विल डू, वो करें देयर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा इन एग्जामिनेशन परीक्षाओं में, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन, अपनी तैयारियों के अनुसार। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इसमें एग्जामिनेशन के बाद लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन, अपनी तैयारियों के अनुसार, जैसे आपने तैयारी की उसके अनुसार। दे शुड नॉट पैनिक, उन्हें नहीं घबराना चाहिए एट ऑल, माने बिल्कुल। एट ऑल मीन्स होता है बच्चों बिल्कुल, एट वंस मीन्स होता है तुरंत। मिस्टर मनोज चौधरी, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्थान के मालिक मिस्टर मनोज चौधरी ने रिपीटेडली, माने बार बार, पॉइंटेड आउट, माने ये इंगित किया था, ये बताया था, दैट की कॉन्फिडेंस डज नॉट कम फ्रॉम वैक्यूम, कि विश्वास निर्वात से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। विश्वास कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है। एंड नॉलेज और ज्ञान कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, किससे आता है? परिश्रम से आता है। सो इसलिए दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें परिश्रम करना चाहिए। दे इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया, दैट की कंटिन्यूअस एंड सस्टेन्ड वर्क हार्ड। कंटिन्यूअस माने लगातार, एंड सस्टेन, इसमें एक जो शब्द है दे, इस शब्द के स्थान पर आप ही लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सेंटेंस में ये दे बिल्कुल सही है, क्योंकि दे का प्रयोग यहां करेंगे किसके लिए? प्रोफेसर्स के लिए, और किसके लिए? एक्सपर्ट्स के लिए, विशेषज्ञों के लिए और आचार्यों के लिए। आप चाहो तो ये शब्द लिखिए, चाहो तो ये शब्द लिखिए। इस शब्द को आप लिखोगे तो ये इनके लिए आएगा, और इस शब्द को आप लिखोगे तो ये आएगा प्रोफेसर्स के लिए, और किन के लिए? एक्सपर्ट्स के लिए। तो उन्होंने प्रेरित किया कि सतत, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? सतत, यानी लगातार, और सस्टेन, सस्टेन माने बनाए रखना, समग्र कह सकते हो, बनाए हुआ। वर्क माने परिश्रम, थ्रू आउट द ईयर माने पूरे वर्ष, इज ए मस्ट माने अति आवश्यक है, जरूरी है। या मस्ट इज नॉट ए मॉडल, माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, मस्ट हेयर इन द सेंटेंस इज नॉट ए मॉडल, मस्ट इज ए नाउन। आवश्यक है, जरूरी है, टू इंटर प्रवेश करने के लिए एनी एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में, विद कॉन्फिडेंस माने किसके साथ? विश्वास के साथ। ठीक है बच्चों, ये आपका ये हो गया हाउ टू फेस एग्जामिनेशन विद कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक जो यहां वर्ब आई हुई है इंटर, ये टू लगा हुआ है, तो आप इसको मान सकते हो टू लगा हुआ है, तो ये कैसी वर्ब है? ये है आपकी पांचवी फॉर्म, मानते हैं इसको वर्ब की पांचवी फॉर्म मान सकते हो, टू प्लस एमबी फर्स्ट, जिसको अपन कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब इसको कहते हैं, मेन वर्ब नहीं है ये। अब ये जो शब्द आया हुआ है, इज लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना बच्चों, इज साइक्रिया, लेकिन मस्ट से यहां मॉडल या साइक्रिया नहीं है, क्योंकि मस्ट से पहले क्या लिखा हुआ है? ए। इसका मतलब है एक आवश्यकता है, एक जरूरी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस। इंटर के बाद ध्यान रखना, हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, और इनका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कमरे में प्रवेश किया, आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड इनटू, या इनका प्रयोग नहीं करते। वी नेवर यूज इन और इनटू प्रीपोजिशन आफ्टर द वर्ब इंटर, क्योंकि इंटर में पहले से ही ये आया हुआ है। एक शब्द रीच, आर ई ए सी एच, रीच भी इस प्रकार की एक वर्ब है, जिसके बाद हम टू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि आई वेंट टू माई स्कूल, या आई वेंट टू जयपुर, लेकिन यहां शब्द आता है आई रीच्ड जयपुर,
ध्यान रखना आई रीच्ड टू जयपुर का प्रयोग नहीं करते, वी नेवर यूज, बिकॉज रीच इज ए वर्ब दैट डज नॉट टेक टू प्रीपोजिशन आफ्टर इट बिफोर द प्लेस। ठीक है, ये आपको समझना है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको आप पूरा कीजिए और साथ ही इसको कंप्लीट भी कर लीजिए। मैं इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। नमस्कार।